हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड GS राय। तो फ्रेंड्स, कल हमने इसका जो फर्स्ट जो इसका पार्ट देखा था, करंट अफेयर का जो अभी पार्ट देखा था, अभी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। और उससे पहले जिन लोगों को वीडियो पसंद आया था उन्होंने लाइक भी किया, और अब ये वीडियो मैं लेकर आया आपके लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपका कोई भी डाउट हो कहीं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपके लिए सारा बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, बस आप इतना सा काम कर दीजिए, इसको शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। IIM के नए बोर्डों के गठन की प्रक्रिया को मंजूरी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थानों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नए बोर्डों के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई है। तो वो जो है, ये कौन सा इसमें से अधिनियम है, संस्थान अधिनियम? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017। तो आपको ये ऐसा ऑप्शन उसमें मिल सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2017 के अंदर नया संस्थान अधिनियम आया है। इसके बारे में कुछ, ये जो आपको सारी चीज़ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है। मैं आपको कल भी करवा रहा था, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको सारी बता दूंगा। नेक्स्ट टाइम माजुली द्वीप के लिए रोरो सेवा आरंभ। अब सबसे बड़ी चीज़ है, रोरो सेवा होता क्या है? रोरो सेवा होता है रोल ऑन रोल ऑफ। जो पानी के अंदर वहाँ पर जो जहाज चलते हैं उनको रोल ऑन रोल ऑफ बोलते हैं, ये देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWA द्वारा असम सरकार के सहयोग से माजुली द्वीप के लिए रोल ऑन रोल ऑफ रोरो सेवा शुरू की गई है, यह सुविधा शुरू की गई है। तो यह सुविधा कहाँ से कहाँ शुरू की गई है, कौन से दो द्वीप के बीच, निमाती और माजुली द्वीप के बीच में यह सेवा शुरू की गई है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि IW होता क्या है। IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो फॉर्मेशन कब हुई थी, 1986 के अंदर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा के अंदर है, ये जरूर याद रखिए, नई दिल्ली के अंदर नहीं है, नोएडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर। IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए इसके अंदर जो आपको और इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि ये जो माजुली द्वीप के अंदर है, माजुली कौन सी नदी के अंदर है, ये माजुली द्वीप है कौन सी नदी के अंदर है, जरूर बताएं। मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट देख लीजिए क्या हो सकता है इसमें से। रोरो सेवा को असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, सर्वानंद सोनोवाल, कई बार एग्जाम के अंदर किसी तरह पूछते जाता है। यह सुविधा असम स्थित निमाती और माजुली द्वीप के बीच शुरू की गई है। निमाती और माजुली दोनों को द्वीपों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, और इसमें से बहुत लंबा चौड़ा दिया है, आपको सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा कि आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखने की जरूरत है। इस सुविधा के कारण 423 किलोमीटर की सड़क मार्ग की दूरी घटकर मात्र 12.7 किलोमीटर रह गई है। नेक्स्ट है, इस पोत जलयान की एक बार में 8 ट्रक और 100 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। थोड़ा सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, और इसमें से कोई क्वेश्चन आना नहीं है, जो आएगा वो मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। इससे पूर्व भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा इसी प्रकार की रोरो सेवा असम में धुबरी और हथसिंगीमारी के बीच शुरू की जा चुकी है। तो ये पहले शुरू की जाती थी, ये हमारा दूसरा पार्ट है। चलिए दूसरा पार्ट कहाँ से कहाँ पर हुआ है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। ब्रह्मपुत्र नदी के 11 स्थानों पर तैरते हुए टर्मिनल निर्मित किए गए हैं। तो ये 11 स्थानों पर है, एग्जाम में आपको 13 स्थान लिखकर दे सकता है, 12 स्थान दे सकता है, तो थोड़ा सा याद रखिए। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये लाइन में बहुत बार, यार पता नहीं नंबर ऑफ टाइम्स आपको बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, माजुली द्वीप कौन सी नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। तो मैंने आज फिर आपसे कमेंट करने के लिए कहा था, जिन जो लोग कमेंट कर चुके हैं, वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो कमेंट करके आ रही, तो कह दी कि हाँ सर हमने कमेंट कर दिया था। सितंबर 2016 में माजुली द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, याद रखिए, 2016 के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, टाटा टेक्नोलॉजीज और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य कौशल आविष्कार तथा नवाचार के केंद्र स्थापित करने पर सहमति जताई गई। इनमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। हाल ही में यूपी सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज के मध्य हुई सहमति के तहत राज्यों में टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रथम चरण में कितने कौशल आविष्कार और नवाचार केंद्रों की स्थापना की जाएगी? इसका जो राइट आंसर वो है 5। बस ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सेंटर का भी कुछ नहीं डिस्कस किया गया, सिर्फ और सिर्फ यूपी के बारे में डिस्कशन की गई। तो बस क्वेश्चन पढ़ के आप लोग इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिशन अटल ज्वाइंट एक्सपीडिशन ऑफ UTDBMM निम। तो इसमें से देख लीजिए क्या क्वेश्चन बनता है और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन अटल ज्वाइंट एक्सपीडिशन ऑफ UTDBMM निम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो वो है उत्तराखंड को, याद रखिए उत्तराखंड के। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लीजिए, यह मिशन उत्तराखंड परिवहन विकास परिषद और निम नेहरी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटिंग इंजीनियरिंग द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया जाएगा। तो इसके बारे में जाकर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग क्या है,
मैं आपको बता देता हूँ। इस मिशन के तहत उत्तराखंड परिवहन पर्यटन विकास परिषद और निम्न की संयुक्त टीमें गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा स्थित 6,557 मीटर और 6,566 मीटर की अनाम चोटियों को 25-30 दिनों के अंदर फतेह करेंगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, बस इसमें से और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, बस आप लोग नोट डाउन करते रहिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। उत्तर प्रदेश का पहला ODF मंडल घोषित, उत्तर प्रदेश का तो कौन सा है वो याद रखिए। ODF क्या है? शौच से मुक्त, ओपन डेफिकेशन फ्री। उत्तर प्रदेश में किस मंडल को प्रदेश का पहला खुले में शौच से मुक्त ODF मंडल घोषित किया गया है? तो वो है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल देख लीजिए, यह प्रदेश का पहला ऐसा मंडल है जिसे सभी जिले ODF घोषित हो चुके हैं। पता होना चाहिए देश के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी स्टेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। फैब्रिक ऑफ यूनिटी, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा फैब्रिक ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम के अंदर किया गया, तो जरूर याद रखिए। 31 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हरियाणा के गुरुग्राम में फैब्रिक ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था। बस इतना जरूर याद रखिए। इस अवसर पर उन्होंने यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान की आधिकारिक यात्रा, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिए, वो क्या क्वेश्चन बन सकता है। नई दिल्ली, अक्टूबर 2018 को 13वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन 2018 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर टोक्यो, जापान के अंदर है हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। और इसके किन किन के बीच हुआ था तो जरूर याद रखिए। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच और प्रधानमंत्री शिंजो अबे, तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे। बस यही इसमें से इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में बढ़ोतरी, हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसमें राइट आंसर है 15% की। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, 2018 को गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में 15% की बढ़ोतरी की, जिससे यह पहले के 75% बढ़कर 90% हो गया है। तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 15%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट बन रहा है। अक्टूबर 2018 को जारी पहली QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? उसका राइट आंसर है ए, IIT बॉम्बे को। तो बस इतना याद रखिए, ज़्यादा आपको कुछ इसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें से थोड़ा सा ज़रूर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी 7वें, दिल्ली यूनिवर्सिटी 8वें, और ये जरूरी नहीं है, बस ये शिक्षा में विशेषज्ञता रखने वाली लंदन UK स्थित कंपनी QS सिंडोम्स की रैंकिंग में पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों या डीम यूनिवर्सिटी में शामिल हैं। तो ये किन्होंने करवाया है? लंदन के स्थित उन्होंने करवाया है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। कुलगॉड भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्राम, कुलगॉड याद रखिए, कुलगॉड कौन सी स्टेट के अंदर है? वो कर्नाटक के अंदर है, जरूर याद रखिए। बस कुलगॉड का पता होना चाहिए कौन सी स्टेट के अंदर है। कर्नाटका के कुलगढ़ ग्राम को अंत्योदय योजना के तहत भारत के सर्वश्रेष्ठ विकसित ग्राम का पुरस्कार मिला है। तो कुलगढ़ कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिए यार। और नेक्स्ट है घाट प्रबंध नदी, आ सकता है क्योंकि अभी सुर्खियों में खबरों में, तो घाट प्रबंध नदी किस राज्य में है? तो घाट प्रबंध नदी कर्नाटक के अंदर है, उस राज्य का नाम जरूर याद रखिए। ये दो चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, मैं पूछूंगा कुछ दिनों बाद घाट प्रबंध नदी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक के अंदर है। और चलिए फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी मतलब कि एडवाइस लेनी थी, आपसे सलाह करनी थी कि लाइव क्लास रखें या ना रखें। लाइव क्लास में क्या है, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप उनके आंसर्स देंगे। कि अब देख लीजिए, मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर लाइव क्लास में 100 बच्चे होते हैं, मान लीजिए लाइव क्लास में 100 बच्चे, मैंने कोई टाइमिंग बता दी कि हाँ ठीक है, हम सुबह 11 बजे लाइव क्लास करेंगे, 11 बजे सुबह 100 बच्चे होते हैं। अब मैंने कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके जो है 4 ऑप्शन दिए, तो बच्चे खुद ब खुद उसका आंसर भी करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देंगे, इससे क्या आप एक दूसरे कमेंट पढ़ के सीख सकते हो। तो कौन कौन चाहता है कि लाइव क्लास हो, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ सर लाइव क्लास शुरू कीजिए, अगर चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लेक्चर तो चल ही रहे हैं आपके लिए। पंजाब में पंचायत सरपंचों सहित पंचायत समिति और जिला परिषद के सभापति पद महिलाओं को आरक्षण, देख लेते हैं कितने परसेंट आरक्षण देने की बात की गई है पंजाब के अंदर। पंजाब में पंचायत सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद के सभापति पद हेतु महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो उसमें 50% है, जरूर याद रखिए, पंजाब सरकार की पहल है, 50% तक आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। और ये देख लीजिए,
मंत्रिमंडल ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर ही संशोधन किया है, तो वो देख लीजिए कि उनका अधिनियम 1994 ही चल रहा है अभी तक। तो कई बार वहाँ यूपीएससी में, वहाँ पर पीपीएससी में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय प्रसंस्करण प्रबंधन केंद्र। भारतीय व्यापार प्रसंस्करण प्रबंधन उद्योग का वैश्विक व्यापार प्रसंस्करण प्रबंधन में कितना हिस्सा है? उसका 37% है, तो ये इतना ही याद रख लीजिए। और ये बीपीएम क्या है? व्यवसाय प्रसंस्करण प्रबंधन, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, और आपको ज़्यादा कुछ इसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और भारत में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में कार्य का भविष्य रिपोर्ट। हाल ही में प्रकाशित भारत में कार्य का भविष्य रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें गलत पूछा गया है। तो इसमें है, भारत में 92% रोजगार अनौपचारिक है, बिल्कुल ठीक है। भारत में महिलाओं का जीडीपी में योगदान 17% है, ठीक है। और भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 27% है, ठीक है। भारत में 15 से 30 वर्ष की आयु के 74% युवा व्यक्ति वर्तमान में शिक्षा या रोजगार में नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है? इसका सत्य कथन मैं आपको भी बता देता हूँ। अन्य देशों के 35 से 40% की तुलना में भारत में महिलाओं का जीडीपी में योगदान 17% है, एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। और अनुमान है कि यदि पुरुष श्रम बल के बराबर महिला श्रम बल की भागीदारी होती तो भारतीय अर्थव्यवस्था 27% की वृद्धि में होगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 30 वर्ष आयु के 64% युवा व्यक्ति शिक्षा या रोजगार में नहीं है, तो देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है इंडिया की। चलिए नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हाल ही में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहाँ राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की आधारशिला रखी है? तो ये नरेला में रखी है। अब नरेला कहाँ पर है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर आ जाती हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की आधारशिला रखी है, तो ये दिल्ली के अंदर रखी गई है, तो जरूर याद रखिए। बस इसके अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर फ्रेंड्स, हमको मेरा करवाने का क्या मकसद है कि आप लोग लिमिटेड पढ़ें, लेकिन आपको जैसे मान लीजिए मैं आपको 20 मिनट का वीडियो देता हूँ, अब 20 मिनट्स में यार आपको ऐसा लगे कि हाँ यार मेरा 2 घंटे का काम 20 मिनट में हो गया, कि सर ने 20 मिनट में मेरे 2 घंटे का काम करवा दिया, कि इसमें से कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है, तो सर ने बता दिया, बस मेरे लिए ये अच्छा है, और मैंने वो नोट डाउन करके वो पढ़ लिया, और बाद में मैंने उसकी 10 मिनट में रिविजन कर लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अब इसमें से देख लीजिए इम्पोर्टेंट क्या बन रहा है। नवंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये याद रखिए, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, तो इसका जो राइट आंसर वो है आंध्र प्रदेश, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश जरूर याद रखें। नीति व्याख्यान श्रृंखला का चौथा संस्करण, नीति व्याख्यान भारत का रूपांतरण का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर वो 26 अगस्त 2016 को, बस इतना ही इसमें याद है, याद रखने लायक चीज़ें हैं। और इसमें से कोई एक या दो चीज़ें और है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो दो चीज़ें और कौन कौन सी याद रखने लायक हैं, कि वो इसमें से आपको याद रखनी है, पढ़ना है जिसको आपने। नीति व्याख्यान श्रृंखला में पहला महत्वपूर्ण संबोधन सिंगापुर के प्रधानमंत्री थर्मन शनमुगरत्नम ने भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिया था। तो जो भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, जो चीज़ भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है वो पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किसने जो है उसके बारे में संबोधन किया था, तो वो है सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री थर्मन शनमुगरत्नम, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें क्या है, नेक्स्ट है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स ने 16 नवंबर 2016 को दूसरा महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रौद्योगिकी और परिवर्तन विषय पर दिया था। तो ये दो चीज़ें आप लोग नोट डाउन कीजिए कि जो उप प्रधानमंत्री ने किस चीज़ के बारे में भाषणबाजी की थी, और जो बिल गेट्स ने किसके बारे में बताया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है भारतीय तटीय समुदायों हेतु अनुदान। हाल ही में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर वो है मनामा। अब मनामा कहाँ पर है? ये बहरीन के अंदर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीसीएफ की फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। अब बस आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जीसीएफ कब बना था, ग्रीन क्लाइमेट फंड कब स्थापित किया गया था, बस इतना आपके लिए क्वेश्चन है। तो जो मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो वो गूगल करके आंसर को नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए, जिनको पता है वो जरूर लिखिए। वर्ष 2016 में हरित जलवायु कोष बोर्ड की तीसरी व अंतिम बैठक थी, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो तीसरी थी, दूसरी अंतिम बैठक थी, इसके बाद कोई बैठक नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि हरित जलवायु कोष संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित कोष है, तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। बस इसका आप बता दीजिए कि ये कब फाउंड किया गया, ये कब बनाया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। यह भारत द्वारा पेरिस समझौते और सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है कि 2030 तक प्रत्येक राष्ट्र को गरीबी एवं भुखमरी से समाप्त करना होगा। नेक्स्ट है स्वस्थ भारत यात्रा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अखिल भारतीय साइक्लोथान स्वस्थ भारत यात्रा डांडी से हांडी तक का शुभारंभ कब किया गया, तो ये जरूर याद रखिए 16 अक्टूबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया आंदोलन का आउटरीच कार्यक्रम है ये स्वस्थ भारत यात्रा, और इसमें से इस यात्रा का मुख्य विषय भी है ईट राइट इंडिया। तो ईट राइट इंडिया अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो घबराना नहीं कि यार ये ईट राइट इंडिया क्या चीज़ आ गई है। एनडीएमए की 6वीं बैठक 2018, एनडीएमए की 2018 के अंदर 2 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 6ठी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो ये जरूर याद रखिए। और इसमें से और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है एनडीएम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह गृह मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, और एनडीएमए की फुल फॉर्म नीचे कोई कमेंट कर सकता है तो प्लीज़ जरूर कीजिए। इसकी फॉर्मेशन कब की मैं आपको बताता हूँ, इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी, जरूर याद रखिए। इससे संबंधित प्रावधान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एनडीएम के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। भरोसा, महिलाएं और बच्चों के लिए सहायता केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंस में भी काम आएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ, मेंस के अंदर भी आप लोग आंसर लिख पाएंगे। हाल ही में महिलाओं एवं बच्चों की सहायता के लिए भरोसा केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई, डी हैदराबाद के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि हैदराबाद के अंदर है महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए भरोसा केंद्र की शुरुआत की गई, तो ये एक अच्छी पहल है। इसके अंदर अभी आप याद रखिए भरोसा केंद्र चीज क्या है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ डिटेल के साथ। भरोसा एक अनोखी पहल, भरोसा हैदराबाद सिटी पुलिस द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसमें किसी महिला एवं बच्चों के सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक मनोवैज्ञानिक और यौन शोषण से जुड़े मामलों के विरुद्ध कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। तो हो गया आपको क्लियर इसमें कि क्या कुछ किया जाता है। भारत में जस्टिस उषा मेहरा आयोग ने दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु पूरे देश में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर ओएससीसी की स्थापना की सिफारिश की। तेलंगाना राज्य एवं हैदराबाद सिटी पुलिस ने ओएससीसी के संशोधित एवं अत्यधिक समर्पित रूप के तौर पर भरोसा पहल की शुरुआत की है, तो भरोसा पहल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे ये किया हैदराबाद में गया लेकिन ये पूरे सेंटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत में जस्टिस उषा मेहरा आयोग ने इसकी जो रिकमेंडेशन दी थी। तो याद रखिए कि भरोसा पहल किस की रिकमेंडेशन से बनी है, जस्टिस उषा मेहरा आयोग की रिकमेंडेशन पर, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये। इलाहाबाद का नाम परिवर्तन, तो किस मुगल सम्राट ने प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद कर दिया था, तो इसका राइट आंसर अकबर ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के आधार पर इलाहाबाद नाम का परिवर्तन किया गया है। राजस्व परिषद द्वारा उल्लेखनीय है कि प्राचीन ग्रंथों में हमारे देश में कुल 14 प्रयाग स्थल वर्णित हैं, तो कुल टोटल कितने थे एंशियंट हिस्ट्री के हिसाब से, प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से 14, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद नगर को प्राचीन काल में प्रयागों का अर्थात प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागों का राजा। 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद रखा था, तो ये आप जरूर याद रखिए कि 1575 के अंदर मुगल सम्राट थे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं नहीं हम पोर्टल ऐप, हाल ही में किसने मैं नहीं हम पोर्टल ऐप और लॉन्च किया है, तो ये प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जरूर याद रखिए। तो 24 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है, यह पोर्टल सेल्फ फॉर सोसाइटी थीम पर कार्य करेगा, तो इस पोर्टल की जो याद रखिए थीम क्या है, सेल्फ फॉर सोसाइटी। और नेक्स्ट है समुद्र पर निर्मित विश्व का सबसे लंबा पुल, तो देख लीजिए वो कौन सा है, चाइना के अंदर बना है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है, शी जिनपिंग, मतलब कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन भूलने को जब बंदा भूल जाता है तो कुछ भी भूल सकता है। समुद्र पर निर्मित विश्व के सबसे लंबे पुल का शुभारंभ किया है, इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, इस पुल की लंबाई 34 मील 54.78 माइल्स है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये। और नेक्स्ट जो इसमें, यह पुल हांगकांग मकाओ और चीन शहर जुहाई को जोड़ता है, इस पुल की निर्माण लागत राशि लगभग 120 बिलियन डॉलर है, पुल का लगभग 30 किलोमीटर हिस्सा अमूर नदी के मुहाने पर स्थित है, तो इसका जो है ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो नदी है इसका नाम अमूर नदी नहीं है,
ये जो है किसी और नदी पर है, और उस नदी का नाम क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा स्किप हो गया माइंड से। ओके, तो ये पर्ल नदी के मुहाने पर है, सॉरी फ्रेंड्स मैं भूल गया था, ये पर्ल नदी के मुहाने पर है। तो याद रखिए ये मैंने आपको बता दिया। अब कल हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल करंट अफेयर्स हमने सारे कवर कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे, जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको और भी टाइम टू टाइम करवाता रहूंगा, लेकिन ये जो थे नेशनल करंट अफेयर थे, अभी हम इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब इंटरनेशनल हम अलग से करेंगे। पॉलिटी के करंट अफेयर मैं आपको सीधा सीधा पूरा बता देता हूँ, बेसिक हम कैसे करेंगे। पॉलिटी के करंट अफेयर हम अलग से करेंगे, इकोनॉमी के करंट अफेयर हम अलग से करेंगे, जियोग्राफी के करंट अफेयर हम अलग से करेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर अलग से करेंगे, साइंस के करंट अफेयर अलग से करेंगे। मैं सारी चीज़ों के करंट अफेयर आपको करवा रहा हूँ, आप लेक्चर थीरीज को फॉलो करते रहिए। आपको कोई डाउट है क्वेरी तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।